वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा बी हेल्दी। अगर आप शक्कर का इस्तेमाल सिर्फ मिठास बढ़ाने के लिए करते हैं तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि किस तरह से आप शक्कर का इस्तेमाल बाकी कामों के लिए कर सकते हैं, मतलब कि अपनी स्किन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर सकते हैं। टैनिंग को ख़त्म करने के लिए काम आएगी शक्कर। जिस तरह से फेस स्क्रब बना के चेहरे की स्किन को एक्सफोलिएट किया जा सकता है, उसी तरह से बॉडी स्क्रब बनाकर शरीर की स्किन को भी एक्सफोलिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ टैनिंग को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये तरीका काफ़ी आसान है, आपको बस ऑलिव ऑयल की जगह नारियल तेल का इस्तेमाल करना है। इसे अच्छे से सभी जगह स्क्रब करें जहाँ पर टैनिंग हो गई है। इसके बाद आपको इस टैनिंग की छुटकारा से समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। होममेड वैक्सिंग के लिए इस्तेमाल करें शक्कर। शक्कर एक बहुत ही अच्छा उपयोग वैक्सिंग के लिए किया जा सकता है। आप शक्कर की मदद से होममेड वैक्स तैयार कर सकते हैं और इसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए 2 कप शक्कर, आधा कप नींबू का रस, 1/4 कप पानी, सभी को एक स्टील के बर्तन में पकाएं जब तक ये डार्क होकर टॉफी कलर जैसी कंसिस्टेंसी नहीं ले आता। इसके बाद इसे सीधे स्किन पर लगाएं। इसे बिना वैक्सिंग स्ट्रिप के भी अनचाहे बाल हटाने के लिए यूज किया जा सकता है। हाँ, इसे यूज करने से पहले ठंडा जरूर करना, वरना यह स्किन को जला सकता है। इसे गुनगुना रखना बेस्ट होगा। पेडिक्योर के लिए इस्तेमाल करें शक्कर। अब जब पूरी बॉडी का ब्यूटिफिकेशन शक्कर की मदद से कर लिया है तो फिर पेडिक्योर को कैसे छोड़ा जा सकता है। आप शक्कर की मदद से बहुत ही आसानी से पेडिक्योर भी कर सकते हैं। अपने लूफा या प्यूमिक स्टोन पर थोड़ी सी शक्कर और कोई भी जेल साबुन या फिर शैम्पू लगाकर उससे पैरों की स्किन को रगड़ें। चेहरे को एक्सफोलिएट करने के लिए बेस्ट है शक्कर। अगर आप अपने चेहरे को एक्सफोलिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए बाहर से कोई स्क्रब लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शक्कर से ही आप अपने चेहरे को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सफोलिएट कर सकते हैं। इसमें शावर जेल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वह चेहरे की डेलिकेटेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी जगह आप ऑलिव ऑयल में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर स्किन को एक्सफोलिएट करें। कई सारे DIY स्क्रब आप शक्कर की मदद से बना सकते हैं। ये स्किन पर जेंटल होगी और क्लॉज्ड पोर्स को भी साफ करेगी।